नरसिंहपुर गोटेगांव से। गोटेगांव अंतर्गत आने वाले ग्राम गौरतला में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे ब्रह्मालीन जगतगुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य जी की तपोभूमि परमहंसी गंगा आश्रम से माता भगवती राजराजेश्वरी माता की पुजारी श्री विमलानंद जी, ब्रह्मचारी श्री अचलानंद जी महाराज के श्री कर कमलों से भगवान हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ब्रह्मचारी जी श्री अचलानंद जी महाराज ने बताया, भगवान को नियमित भोग लगाना, पूजन अर्चन करना जरूरी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जैसे एक इंसान को गर्मी में पंखे की ज़रूरत और बरसात में छत की ज़रूरत होती है, ऐसे ही भगवान को होती है। श्री हनुमान जी महाराज के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो आज जो ग्रामवासियों ने भाई पार्टी की यही है कि भगवान का यहाँ ग्रह स्थापित करवाया और भगवान के किसी ने जैसे कर्मचारियों को बताया कि जैसे मनुष्य को बहुत प्यास लगती है, ठंड लगने लगती है, वैसा हमारे गुरु जी कहते थे कि इस तरह से समस्त ग्रामवासियों को उनकी सेवा करनी चाहिए। बरसात में उनको छमरना लगे या उनको गर्मी ना लगे तो उन समय उनको भोजन प्रसाद लगे, क्योंकि भगवान को सिर्फ देखते हैं, खाते नहीं हैं, सिर्फ प्रसन्न होते हैं देख करके। तो इसी क्रम में काम चलता रहे और ग्रामवासियों की ऐसी बुद्धि रहे कि हमेशा धर्म के काम करते रहे और नियम बनाए कि प्रतिवर्ष इनका पाठोत्सव मनाया जाए। जैसे मनुष्य अपना जन्मदिन मनाता है, शादी के विवाह मनाता है, इसी तरह प्रतिवर्ष इनकी पूजा होनी चाहिए। उससे भगवान में बल आता है, शक्ति आती है, पर वो आशीर्वाद जो भी भगवान उसका प्रमाण मिलता है। हमारा इतने शुभकामना है, आशीर्वाद आप लोग बना रहे खबर भारत वर्ष के लिए गोटेगांव नरसिंहपुर से मनोज यादव की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।